That was it. Sab no problem. Sir. Thank you. Excuse me, ma'am. Thank you. आप वही है ना जिनकी वजह से कुछ दिन पहले हमें अपना प्लेन रनवे से वापस ले जाना पड़ा था? मैं? हाँ हाँ. What sorry? आप मुझे कोई तो सीट दे सकती हैं? जब मैंने आपसे स्मोकिंग जोन की सीट मांगी थी तो फिर मुझे मिली क्यों नहीं? So please try to understand. Our flight is full. No, I don't want to understand. You try. We will adjust you after the takeoff, sir. Sir, please अभी आप अपनी सीट पे जाके बैठिए. Where is my seat? This way, please. स्मोकिंग जोन की सीट नहीं मिली, सब तेरी वजह से. क्यों क्यों मार रहे हो यार? तो देखो ना यार, फालतू में क्यों मार रहे हो? मार खाया तो चुप है. ओह माय गॉड इंडिया, रे इंडिया, वेरी गुड इंडिया वाले, वेरी बैड मेरा राहुल, वेरी गुड उसकी गर्लफ्रेंड, वेरी बैड वो एक्चुअली प्लेन में पहली बार बैठ रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम. तुम्हें क्या लगता है ये प्लेन उड़ते ही क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे? अगर ऐसा हुआ ना मैडम, तो यकीन मानो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. ये क्या हो रहा है यार, डरे हुए को और डरा रहे हो, कैसे आदमी हो तुम? ऐसा ही हूँ मैं, और अगर इतना ही डर लगता है तो प्लेन में बैठने की जरूरत क्या थी? मैं यहाँ अपने शौक से नहीं बैठी हूँ, मजबूरी है. वो मेरा फियांसे है ना राहुल, उसे इंडिया में किसी लड़की ने अपने जाल में फंसा लिया है, उसे ही वापस लेने जा रही हूँ. Oh my God. मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी. एक बार ही टेक ऑफ हो जाए. तुम मेरी तरफ इस तरह घूर घूर के देखना बंद करोगे प्लीज? नहीं, मैं सोच रहा हूँ देखने में तुम ठीक ठाक हो, बल्कि अच्छी खासी लगती हो. फिर तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? वो मुझे छोड़ के चला नहीं गया, वो तुम्हारी इंडिया वाली है ना. Can I tell you a fact? इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं ना, वो सब के सब राहुल की गर्लफ्रेंड की तरह हैं. तुम्हारे मंगेतर के चले जाने की कोई दूसरी वजह तो नहीं है? दूसरी वजह? मेरा मतलब है शादी से पहले कुछ. ए मिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज. ओके, समझते क्या हो अपने आप को? क्या मैं तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? मंगनी की है वो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी राहुल को अपने पास तक आने नहीं दिया. हाँ क्या? नहीं, हाँ मैं समझ गया. क्या समझ गए? यही कि तुम किस तरह की लड़की हो. किस तरह की लड़की हो? ये तुमने से मॉडर्न ड्रेस, हाथ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, सुनो. ये तुमने से मॉडर्न ड्रेस पहन रखा है, बाकी तुम्हारे ख्यालात बहुत पुराने. क्या? I don't believe it. मेरे ख्यालात पुराने? और नहीं तो क्या, मंगनी की ना तुमने राहुल से? हाँ की तो. मंगनी की ना तो? और उसे अब तक अपने पास आने नहीं दिया. तो क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं, वो भी बेचारा इंसान है, वो कहाँ जाएगा? What nonsense! अरे गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है, और तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए. अरे मैं कहता हूँ वापस लौट जाओ, कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें, वापस लौट जाओ. तुम राहुल को नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते, और हमारे बारे में बके ही जा रहे हो. ऐसा ही हूँ मैं. वैसे नजारा अच्छा है. अरे टेक ऑफ हो गया. एक्सक्यूज मी. आई विल हैव थैंक्स. ओप्स, आई एम सो सॉरी. व्हाट्स दिस? अंदर कुछ छुपाया तुमने? अंदर कुछ छुपाया तुमने? इसने कुछ छुपाया अंदर? क्या था अंदर कुछ छुपाया? क्या था, इसने? पिस्तौल थी या बॉम्ब था? चेहरे से तो आतंकवादी ही लगता है ये. शेखर,
पेरिस आया था किसी और काम के लिए, हो गया कोई और काम, जियो। आई लव यू। यूके पढ़ रही है तू, ये तारे काम की ना है। अच्छा जी सुनो, थोड़ी देर पहले जो तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, वो इसलिए कि टेक ऑफ के वक्त मुझे डर ना लगे या तुम सीरियस थे? तुम्हें क्या लगता है? यही कि मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। ठीक है, ऐसे ही समझो। तुम कुछ अजीब नहीं हो? ऐसा ही हूं मैं। वैसे तुम राहुल से प्यार बहुत करती हो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा? इतना डरने के बावजूद तुम प्लेन में बैठकर राहुल से मिलने जा रही हो, ये प्यार नहीं तो और क्या है? शायद इसी को प्यार कहते हैं। पर यू नो, राहुल एंड आई तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं माँ की बात नहीं कर रही, माँ से तो वो लोग भी प्यार करते हैं जो माँ से नफरत करते हैं। मैं दूसरे प्यार की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं। क्यों? प्यार जैसी फालतू चीज के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मौज मस्ती बहुत की है मैंने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये लो। ये क्या है? कोई जा, कोई जा, कोई जा। और तोड़ दिया। अरे कुत्ते पट्टे बांधेगा वो। चुप। अरे इसे मत डांटिए, इन्होंने तो कमाल कर दिया। जो 15 साल में डॉक्टर नहीं कर पाया वो इन्होंने कर दिया। मैडम आपने कमाल कर दिया, 15 साल पुराना ये फांसी का फंदा आपने मेरे गले से हटा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे थैंक यू टू। खान, इंस्पेक्टर खान। यू मे गो सर। अब सुनो, तुम हॉलिडे होम जा रही हो ना? क्यों? नहीं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओके चलो। तुम बाहर रुको, मैं अपना सामान लेके आता हूँ। ओके। मैंने कहा आधा वर्जे। अरे खा साहब, आप यहाँ? तुम्हें पकड़ने आया हूँ जी।
अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। ऐसा ही हूँ मैं। जैसे भी हो अच्छे लग रहे हो, फॉरन वॉरन घूम रहे हो, सुना है वहाँ कुछ म्यूजिक शो वगैरह में गए थे? जी हाँ। तुम उसमें क्या कर रहे थे? बांसुरी बजाने गया था। बांसुरी? बांसुरी ही बजा रहे थे ना, किसी का बैंड वैंड तो नहीं बजा दिया वहाँ? अब खास साहब मैं पुलिस में तो हूँ नहीं जो किसी का बैंड बजा सकूँ। काफ़ी हाजिर जवाब हो।